हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू जियो स्पेस। आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे सवालों के बारे में ना, जो ना सिर्फ हमारे मन में बल्कि आप सभी के मन में कभी ना कभी तो ज़रूर आता होगा कि क्या लाइफ सिर्फ अर्थ में है? क्या यूनिवर्स के बाहर भी कोई दुनिया है? क्या एलियंस सच में होते हैं? इन सभी सवालों के जवाब की खोज करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले समझते हैं हमारा यूनिवर्स के बारे में। हमारा यूनिवर्स बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, इतना बड़ा कि इसकी सीमा का हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। सिर्फ हमारी मिल्की वे गैलेक्सी यानी कि आकाश गंगा में 100 बिलियन यानी कि 10,000 करोड़ से भी ज़्यादा स्टार्स हैं, और हर स्टार की अपनी अपनी प्लैनेट्स होती हैं। जिस तरह हमारा सन एक स्टार है और उसके अराउंड हमारे सोलर सिस्टम में 9 प्लैनेट्स है या 9 ग्रह है, उस तरह से सन के जैसा ही आप समझो 10,000 करोड़ ऐसे सन्स हैं, ठीक है। और हर सन का अपना प्लैनेट है जो सोलर सिस्टम से बड़ा भी है और सोलर सिस्टम से छोटा भी है। ये सिर्फ एक मिल्की वे है, और हम मिल्की वे वैसे ही कितने हजार करोड़ ऐसे गैलेक्सीज हैं सिर्फ हमारे यूनिवर्स में, और ये सिर्फ हमारा एक यूनिवर्स है। ऐसे अनगिनत और यूनिवर्सेज हैं, और ये दिमाग घूम जाएगा। नासा और दूसरे स्पेस एजेंसीज ने कई एक्सोप्लैनेट्स की खोज की है जहाँ पे लाइफ पॉसिबल है। एक्सोप्लैनेट्स या जो प्लैनेट्स हैबिटेबल जोन में है, जहाँ का पानी लिक्विड फॉर्म में हो सकता है, उसे हम हैबिटेबल जोन प्लैनेट्स कहते हैं। एस्ट्रोबायोलॉजी एक ऐसी साइंस है जो लाइफ को समझने की कोशिश करती है, ना सिर्फ अर्थ में बट पूरे यूनिवर्स में। एस्ट्रोबायोलॉजिस्ट एक्सप्लोर करते हैं कि कैसे और कहाँ लाइफ डेवलप कर सकती है, और इसके लिए वो एक्सट्रीम एनवायरनमेंट्स को स्टडी करते हैं, जैसे कि डीप सी, एक्सट्रीम डेजर्ट्स। इस फील्ड में फोकस करते हैं वो ऐसे सिग्नेचर्स को ढूंढते हैं, जैसे कि कोई सिग्नेचर जैसे साइन हो गया, मॉलिक्यूल, गैसेस या ऐसे पैटर्न्स जो लाइफ को सस्टेन कर सकते हैं या बायोलॉजिकल प्रोसेस से बन सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मार्स पर मीथेन गैस डिटेक्ट हुई थी जो पोटेंशियल साइन है माइक्रोबायल लाइफ का, जो लाइफ को सस्टेन करता है। अब एफर्ट है जहां साइंटिस्ट रेडियो सिग्नल्स और लाइट पैटर्न्स को एनालाइज करते हैं एलियंस से कम्युनिकेशन सिग्नल्स ढूंढने के लिए। सेटी का ऑब्जेक्टिव है अननेचुरल सिग्नल्स को आइडेंटिफाई करो, और किसी ऐसे इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन के बाद जो किसी ऐसे इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन से भेजी हुई हो। मतलब क्या हम कुछ ऐसे अपने मतलब मशीन्स को लगा के रखेंगे जो डिटेक्ट करेगा एक्सटर्नल सिग्नल्स जो नॉर्मली स्पेस से नहीं आते हैं, और ये हमें बताएगा कि क्या सच में कोई ऐसा एलियन लाइफ या कोई ऐसे इंटेलिजेंट लाइफ है बियॉन्ड स्पेस, उनको डिटेक्ट करने की कोशिश करेगा। वाव सिग्नल एक बहुत ही फेमस सिग्नल है जो 1977 में डिटेक्ट हुआ था, और साइंटिस्ट अभी तक नहीं समझने पाए हैं कि क्या है, क्योंकि वाव सिग्नल की फ्रीक्वेंसी इतनी ज़्यादा थी जो नॉर्मली स्पेस से नहीं मिलती है। और ये कहा जाता है कि हो सकता है कि ये एलियन सभ्यता से आई हो जो हमसे भी ज़्यादा और टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड स्टेज पे हो। अब बात करते हैं फेमी पैराडॉक्स की, जो एक बड़ा मिस्ट्री है। फेमी पैराडॉक्स ये पॉइंट आउट करता है कि अगर इंटेलिजेंट लाइफ इतनी ज़्यादा कॉमन है, तो हमने अभी तक किसी भी एलियन सिविलाइजेशन के साथ कॉन्टैक्ट क्यों नहीं बनाया। ये पैराडॉक्स की थ्योरीज को जन्म देता है। एक थ्योरी कहता है कि शायद एलियंस हमसे इतने ज़्यादा एडवांस है कि वो हमसे कॉन्टैक्ट ही नहीं करना चाहते, या फिर वो हमें ऑब्जर्व कर रहे हैं पर बिना हमें पता चले। जैसे हम जू में देखते हैं ना, एनिमल्स को देखने जाते हैं। दूसरी थ्योरी ये कहती है कि शायद हर इंटेलिजेंस सिविलाइजेशन अपनी डिस्ट्रक्शन की तरफ बढ़ रही है, इसीलिए वो सर्वाइव नहीं कर पाती। बहुत सारी थ्योरीज, बहुत सारी इवेंट्स हैं। आपने UFO के बारे में सुना होगा ना। UFO का मतलब है अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स। कई लोगों ने क्लेम किया है कि उन्होंने UFO को देखा है, जो एलियंस के स्पेसशिप को कहा जाता है। क्रॉप सर्कल जो मिस्ट्री पैटर्न्स को फील्ड में पाए गए हैं, उनको भी कुछ लोग एलियन एक्टिविटी से जोड़ते हैं, लेकिन अब तक कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं मिला है जो इन साइटिंग
को एलियंस के साथ डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकें। कई बार ये फिनोमेना ह्यूमन मेड नेचुरल प्रोसेस की वजह से होते हैं। अर्थ पर कुछ ऐसे इन्वायरमेंट्स हैं जहाँ लाइफ एक बार में सोचना भी मुश्किल है, लेकिन फिर भी वहाँ ऑर्गेनिजम्स थ्राइव करते हैं। इन्हें एक्सट्रीमोफिलिस कहते हैं, जैसे कि डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट्स या एंटार्क्टिका की बर्फीली झीलों में। ये ऑर्गेनिजम्स हमें बताते हैं कि लाइफ कितनी अडैप्टेबल और रेजिलिएंट हो सकती है। इससे ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल ही नहीं है कि दूसरे प्लैनेट्स या मून पर भी लाइफ की हो सकती है जो वहाँ के हार्श कंडीशंस को अडैप्ट कर चुकी हो। सोचो, अगर हमें एलियंस मिल जाएं तो दुनिया कैसे बदल जाएगी। पहले तो साइंटिफिक कम्युनिटी में एक नई एनर्जी आ जाएगी, हमारी अंडरस्टैंडिंग लाइफ, बायोलॉजी और यूनिवर्स में और डायनामिक शिफ्ट हो जाएगा। इसका फिलोसॉफिकल इम्पैक्ट भी होगा, हमारे रिलीजन और बिलीव्स पर क्या असर पड़ेगा, लोग कैसे रिएक्ट करेंगे। शायद ये डिस्कवरी हमें इंस्पायर करेगी अपने डिफरेंसेस भुला के एक साथ यूनिवर्स को एक्सप्लोर करने में। तो दोस्तों, ये थी हमारी डिटेल्ड एक्सप्लोरेशन ऑन पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ बियॉन्ड अर्थ।